बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। न्यूज रूम से मैं साहिबा बानो। चलिए रुक करते हैं झांसी की कुछ अहम खबरों का। आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में आज संविधान निर्माता की परिनिर्माण दिवस के अवसर पर झांसी के हंसारी में संचित कॉलोनी में एक आम सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर बहुजन समाज पार्टी के बुंदेलखंड कानपुर जोन के मंडल कोऑर्डिनेटर लालाराम अहिरवार मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। इस मौके पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए लालाराम अहिरवार ने कहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का निर्माण करके जहां देश के लिए एक महान कार्य किया, वहीं समाज के लोगों के लिए उत्थान का भी कार्य किया है। उनके द्वारा किए गए कार्यों से आज समाज सर उठाकर अपना जीवन जी रहा है। उनके द्वारा किए गए कार्य को याद करते हुए उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। एक एक दो दो साथियों को, एक एक दो परिवारों को जोड़ने का काम करना चाहिए, जिससे आज हम लोग जो अपनी परसेंटेज, वोटों की परसेंटेज है, संविधान निर्माता भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का 64वां परिनिर्वाण दिवस हम लोग यहां मना रहे हैं और उन्हें हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और उनके बताए हुए जो उन्होंने अपने जीवन काल में संघर्ष किया, दबे कुचले समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए, सर समाज के गरीब लोगों को के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया कि इस देश में कैसे समतामूलक समाज की स्थापना हो, हजारों साल से जो इस देश में गैर बराबरी छुआछूत व्याप्त है उसका अंत और सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय कि उनकी चाहती इस देश में सारे लोग खुशहाल रहें। और उन्होंने अपनी संविधान में भी इस देश में सभी लोगों, सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्गों के लोगों के लिए ऐसे ऐसे कानून बनाए कि अगर वो संविधान सही तरीके से लागू हो जाए तो आज इस देश में खुशहाली हो जाएगी, अमन चैन हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य के 74 साल की आज़ादी के बाद भी देश में तमाम सरकारें आई, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, लेकिन उन्होंने सच्ची तरीके से, सही मन से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का संविधान लागू नहीं किया। अगर लागू कर दिया होता तो आज इस देश की तस्वीर और तकदीर कुछ और होती। इसलिए हम ऐसे महामानव का परिनिर्माण दिवस जो आज से लगभग 64 वर्ष पूर्व इस देश से हम लोगों के बीच से, सब लोगों के बीच से विदा हो गए थे, चले गए थे, उनके किए हुए संघर्ष, उनके किए हुए कार्य सर्व समाज के लिए उनको याद कर रहे हैं, उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि आज हम लोग।